नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आइए आज की खास वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत की कथा जीवन को जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत की कथा लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देती है। भीष्म पितामह के बिना महाभारत की कथा अधूरी मालूम पड़ रही है। महाभारत की कथा में भीष्म पितामह की भूमिका बहुत ही अहम और प्रभावशाली है। भीष्म पितामह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया। आइए उनके बारे में जानते हैं 12 खास बातें जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। भीष्म पितामह का पहला रहस्य। मित्रों, भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे। माना जाता है कि भीष्म युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव होने के कारण वेद व्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया। आइए अब दूसरे रहस्य को जानते हैं। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए हुए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। जानते हैं उनके तीसरे रहस्य को। भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन वो उनको लौटा देते थे और कहते थे कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है, शर्ष्य ही मेरी चिता है। अब मैं तो बस सूर्य के उत्तर आयन होने का इंतजार कर रहा हूं पितामह। कि यह बातें सुनकर राजा गण और उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा करके अपनी अपनी छावनी में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से भी सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा, सभी उनके लिए पानी ले आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गए और उसने अपने गांडीव पर तीर चढ़ाया और पर्जन्य अस्त्र का प्रयोग करके वे धरती में छोड़ देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है। उस पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो जाते हैं। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़ डाचकर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक बात भी नहीं मानी और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वो नए सेनापतिकरण को समझाते हैं। वे दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। मित्रों, भीष्म के शरशैया पर लेट जाने के बाद युद्ध 8 दिन तक चला। अब आइए जानते हैं चौथे रहस्य को। दोस्तों, भीष्म के शरशैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं कि राजा गणों, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा तरह तरह के तकिए ले आते हैं, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी ना लेकर मुस्कुराकर कहते हैं कि यह तकिए इस वीर शैया के काम में आने योग्य नहीं है। फिर वो अर्जुन की ओर देख कर कहते हैं कि बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू भर लिए।
और उनको अभिवादन करके भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे तीन बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर्फ सिरहाना मिल गया। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा जाती रही। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भीष्म को नहीं त्यागते हैं प्राण। अब आइए जानते हैं पांचवें रहस्य को। एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराज ने उनके पास जाकर उनसे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूं महाराज। उसके रूप यौवन पर रीझ कर उसके पिता के पास पहुंचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर निषाद ने कहा, राजन मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की यह दशा होने का कारण पता चला तो वो निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा कि आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री की संतान का अधिकार छीन ना पाए। इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवव्रत की आपकी ये प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। अब जानते हैं छठे रहस्य को। देवव्रत जब कन्या सत्यवती को लेकर अपने पिता शांतनु को सौंप देते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शांतनु देवव्रत से प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा ली है जो आज तक किसी ने नहीं की है और ना ही भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। अब जानते हैं सातवें रहस्य को। दोस्तों, विचित्र वीर्य के युवा होने पर उनके विवाह के लिए काशीराज की तीन कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था, जिसमें से एक को शैलवराज से प्रेम करने के कारण छोड़ दिया था। लेकिन शैलवराज के पास जाने के बाद अंबा को शैलवराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अंबा के लिए ये दुखदायी स्थिति हो गई थी। अंबा ने इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से कि परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अंबा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में आर्षियों ने परशुराम को सारी व्यथा कथा सुनाई और भीष्म की स्थिति से भी उनको अवगत कराया। तब कहीं परशुराम जी ने ही युद्ध विराम किया। इस तरह भीष्म अपने लिए किए गए ब्रह्मचर्य पर अटल रहे। आइए जानते हैं आठवें रहस्य के बारे में। मित्रों, सत्यवती के शांतनु से उत्पन्न दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती भीष्म से बार बार अनुरोध करती है कि पिता के वंश को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में सत्यवती विचित्र वीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न कराने की सोचती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। मित्रों, आइए जानते हैं नौवें रहस्य को। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्र वीर्य नाम के दो पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बन गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्र वीर्य बालक ही थे। फिर भी भीष्म
विचित्र वीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्र वीर्य को दोनों से कोई संतान नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। जानते हैं दसवें रहस्य के बारे में। मित्रों भीष्म शरशैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से लानी और पश्चाताप दूर हो जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि इस शरशैया पर मुझे 58 दिन हो गए। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। 11वां रहस्य। मित्रों, एक बार देव नामक वसु ने वशिष्ठ आर्षि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम आठों वसु मनुष्य हो जाओ। ये सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस देव को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। ये सुनकर वसु ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के शाप को विस्तार से बताया और ये प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें, इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में जो 7 पुत्र पैदा हुए थे उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें पुत्र को शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के शाप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक दीव नामक वसु था जो भीष्म पितामह बना। अब आइए जानते हैं 12वें रहस्य के बारे में। और इस वीडियो का अंतिम रहस्य, ये वह काल था जब देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। किसी खास मंत्र द्वारा उनका आह्वान करने पर प्रकट हो जाया करते थे। इन्हीं देवताओं के कुल में से मां गंगा भी हैं, तो सवाल आता है कि गंगा ने क्यों किया शांतनु से विवाह पुत्र की कामना से। शांतनु के पिता महाराज प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, मैं जहनु आर्षि की पुत्री गंगा हूं। इस पर राजा ने कहा कि गंगा तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। ये देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।